जम्मू कश्मीर के शोपिया में आतंकियों ने एक बार फिर से आम नागरिकों पर हमला किया है और आतंकियों ने दो कश्मीरी पंडित भाइयों को गोली मार दी है, जिससे कि एक शख्स की मौत हो गई है जबकि दूसरे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया है। और इस आतंकी वारदात को शोपिया के चोटी गांव में अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि शोपिया में आतंकियों ने कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया है, जिसमें की मौत हो गई है और एक घायल है। आतंकियों ने शोपिया के चोटीपुरा इलाके में एक सेब के बागान में गोलीबारी करके पंडितों को निशाना बनाया है। तो एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जा रहा है और एक कश्मीरी पंडित की मौत हो चुकी है। अब तक ये तस्वीरें आप उसी परिवार की देख रहे हैं। आतंकी हमले में एक कश्मीरी पंडित की मौत हो चुकी है। शोपिया का यह पूरा मामला है। जम्मू कश्मीर के शोपिया में ये आतंकी गतिविधि देखने को मिली है, जहां पर आतंकियों ने एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया है। हालांकि ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है, ये कोई पहला केस नहीं है। अब से पहले भी कश्मीरी पंडितों को जम्मू कश्मीर में निशाना बनाया जाता रहा है, जो कि हमेशा देखने को मिला है। एक बार फिर से कश्मीरी पंडित की मौत हो गई है इस आतंकवादी हमले में। एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक के बाद एक आतंकी घटनाएं जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां का ये मामला है। रईस वानी संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के लिए रईस, एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया गया है, एक की मौत हो गई है। रईस आवाज सुन पा रहे क्या? जी काजल, मैं आपको बता दूं, दक्षिण कश्मीर के अगर हम शोपियां की बात करेंगे, ये चोटी गांव एक इलाका है, वहां पे जो है मिलिटेंटों ने कश्मीरी पंडितों पे जो है वो मिलिटेंट अटैक किया है, जिसके चलते दो भाई की अगर हम बात करेंगे, सुनील कुमार और पिंट जी जो है सेब के बागात में थे, इन पे जो है मिलिटेंटों ने हमला कर दिया, जिसके चलते जो है दो भाइयों की जो है एक की मौत हो चुकी है। अगर हम सुनील कुमार की बात करेंगे, उनकी मौत हो चुकी है और पिंटू कुमार जो है उनको जो है जख्मी की हालत में पहले हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जिनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। काजल, मैं आपको बता दूं कि कल ये 24 घंटों में दूसरा अटैक है। यहाँ के अगर हम बड़गाम की बात करेंगे, सेंट्रल कश्मीर की बड़गाम में, वहां पे भी कल रात को गर्नेट अटैक हुआ था एक कश्मीरी पंडित पे, जिसके चलते उनकी भी जो है वो मौत हो चुकी है। और आपको मैं बता दूं, जिस तरीके से लगातार ये टारगेट इंटेलिजेंस कुछ टाइम तक जो है हम गया था, लग रहा है कि 15 अगस्त अगर से कल सभी मना रहे थे, हर घर जो है तिरंगा की कंपेन जो यहाँ पे चल रही थी, उसके चलते 15 अगस्त में जो शमूलियत हुई थी, और कल रात से ही जो है फिर से टारगेटिंग किलिंग जो है वो देखने को मिल रही है। और ये आज शुपियन में जो अटैक हुआ है, हर किसी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे कांग्रेस की बात करेंगे, नेशनल कांग्रेस की बात करेंगे, उन्होंने यहाँ पे जो है ये इस जो अटैक की जो है वो मजम्मत की है। खासकर यहाँ पे जो है अब जिस जगह ये अटैक हुआ है उस सेब की बागात में हुआ है, और वहां पे फौज और पुलिस ने जो है वहां पे पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया और सर्च ऑपरेशन वहां पे अभी जारी है। जी काजल, सर्च ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है, लेकिन रईस हम जिस तरह से देख रहे हैं, ये कोई पहला केस नहीं है जो कि कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया गया। आपसे पहले भी कई बार ऐसा होता रहा है कि वहां पर कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जाता है आतंकवादियों की तरफ से, ये थम नहीं पा रहा है और लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और इसी वजह से एक के बाद एक कश्मीरी पंडित शिकार हो रहे हैं, वहां पर डर का माहौल है। जी 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 काजल, हाँ। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से अगर हम बात करेंगे, इससे पहले भी जो यहाँ पे कश्मीरी पंडित टारगेट बनाया गया था, जो टारगेट क्लिकिस यहाँ पे जारी था, हालांकि कश्मीरी पंडितों ने लगातार उस पे जो है प्रदर्शन सामने आए, रोड ब्लॉक उन्होंने किया, उनकी भी यही मांग थी कि हमें यहाँ से जो है यहाँ पे जम्मू लिया जाए, ताकि वहां पे हम सेफर प्लेस जगहों पे लिया जाए, ताकि हम सेफ रहे। अब जो है फिर से 15 अगस्त के दिन ही जो है ये अटैक जो कल से एक हुआ, आज 16 अगस्त है, आज अभी जो है शुपियन में हुआ। अब हालांकि ये जो है अभी ये जो दूसरा अगर इनके भाई की बात करेंगे पिंटू कुमार की, उसकी जो हालत है वो उसका इलाज वो हॉस्पिटल में चल रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पे जो है सिक्योरिटी की एजेंसी जो है क्या रिएक्शन सामने आएगी, खासकर कश्मीरी पंडित जो है जिन्होंने पहले भी टारगेटिंग क्लिक में काफी टाइम तक प्रोटेस्ट पे बैठे हुए थे, प्रदर्शन कर रहे थे, अभी ये देखने वाली बात होगी उनका क्या रिएक्शन आएगा। अलबत्ता ये जो है ये सभी जितने भी, चाहे हम
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का भी ट्वीट और जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबरा का भी ट्वीट आया कि ये जो है अटैक मजम्मत करनी चाहिए, इन चीजों को भाईचारों पे असर पड़ता है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख एक साथ रहते हैं, खासकर कश्मीरी पंडित जो है यहाँ पे आने आने आए थे रहने के लिए, और ये भाईचारे पे कहीं ना कहीं इस पे असर पड़ने का इम्कान है। बार बार ये जो यहाँ पे हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है और इस पे लगाम लगाने की कोशिश है। और सिक्योरिटी एजेंसीज का भी कहना है कि जिस तरीके से वहाँ पे सर्च ऑपरेशन लगाया गया है और उनको ढूंढने की कोशिशें की जा रही है जिन्होंने इन पे अटैक किया है। जी काजल, रईस बार बार जो देखने को मिलता है, बार बार जो कश्मीरी पंडितों की मौत देखने को मिलती है, इससे पता ये चलता है कि आज भी कश्मीरी पंडित जम्मू कश्मीर में असुरक्षित हैं। हाँ जी काजल, सही बात है। इससे पहले भी जब अटैक यहाँ पे टारगेट किलिंग हुए थे, कश्मीरी पंडित के जो लीडर्स हैं उनके साफ यही कहना था कि अभी कश्मीरी पंडित यहाँ पे उस तरीके से सेफ नहीं है। और जिस तरीके से उनको यहाँ पे चाहे हम राहुल भट्ट की बात करेंगे या जो लेडी हेडमास्टर्स थी उनकी भी हत्या जो हुई थी, यहाँ पे लगातार जो कश्मीरी पंडितों को टारगेट बनाया गया था, आज होने लगा है जिस तरीके से आज अटैक हुआ है। और लग रहा है कि आज जिस तरीके से उनका सब जो कश्मीरी पंडित के जो लीडर ने जिन्होंने प्रदर्शन किया था कि हमें जो है जब तक हालात कश्मीर में ठीक ना हो और तब तक हम कश्मीर में नहीं रहेंगे और हमें जो है सेफर प्लेस में रखा जाए। हालांकि काफी कश्मीरी पंडित जी जो यहाँ पे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, जो मुलाजमीन है वो यहाँ पे अभी ड्यूटी पे जो है पूरे नहीं आए हैं, आधे ही अभी ड्यूटी कर रहे हैं, बाकी अभी जम्मू में ही है। मगर ये देखने वाली बात है कि सिक्योरिटी के लिए बड़ा चैलेंज होगा कि इस तरीके से अटैक जो है उनका रोकना चाहिए और जो ये अटैक कर रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए ताकि मजीद जो अटैक यहाँ पे ना हो। रईस वानी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब आपको बिंदुवार तरीके से हम समझाते हैं कि कब कब आतंकी हमला जम्मू कश्मीर में हुआ है और किस तरीके से वहां पर हैरतअंगेज खेल देखने को मिला है। 4 अगस्त 2022 को पुलवामा में बिहार के प्रवासी की मौत, 2 जून को बड़गाम में 17 साल के प्रवासी मजदूर की हत्या, 2 जून को बड़गाम में 17 साल के प्रवासी मजदूर की हत्या वहां पर की गई थी, और 2 जून को राजस्थान की अगर बात करें तो बैंक मैनेजर को आतंकियों ने भून दिया था। ये 2 जून का ये पूरा मामला है, इस घटना में आतंकियों ने मौत को अंजाम दिया था। 31 मई को कुलगाम में टीचर की हत्या की गई थी, ये 31 मई का मामला है जिसके बाद हंगामा भी हुआ था। 24 मई को एक पुलिसकर्मी की हत्या कर दी गई थी जम्मू कश्मीर में, ये 24 मई को हुआ था। तो ये वो आतंकी घटनाएं हैं जो कि हुई हैं जम्मू कश्मीर में, वो हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। पुलिसकर्मी की वहां पर हत्या हुई, 17 मई को बारामूला में 52 साल के एक कारोबारी की हत्या हुई थी, और 12 मई को कश्मीरी पंडित कर्मचारी की हत्या कर दी गई थी, और 12 मई को ही एक पुलिसकर्मी की भी हत्या की गई थी। 4 अगस्त 2022 को पुलवामा बिहार के प्रवासी मजदूर की हत्या की गई थी, 2 जून को बड़गाम में 17 साल के प्रवासी मजदूर की हत्या की गई थी, 2 जून को ही राजस्थान के बैंक मैनेजर को आतंकियों ने भून दिया था गोलियों से, और 31 मई को कुलगाम में एक टीचर की हत्या की गई थी। ये वो आतंकी घटनाएं हैं जो कि हम आपको लगातार बता रहे हैं। इसकी वजह से पूरे देश में भी हंगामा हुआ था और लगातार आतंकियों की जो गतिविधियां हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं, वो लगातार एक के बाद एक बढ़ती चली जा रही हैं, और इसीलिए बार बार वहां पर डर का माहौल भी है और डर का माहौल देखने को भी मिल रहा है क्योंकि आतंकी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एक के बाद एक आतंकी घटनाएं वहां पर कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जा रहा है, कश्मीरी पंडितों की मौत हो रही है, अध्यापकों को निशाना बनाया जा रहा है, बैंक मैनेजर की हत्या कर दी गई थी, उसके बाद जो प्रवासी मजदूर जो कि मजदूरी करने के लिए वहां पर जाते हैं उनको भी नहीं बख्शा जाता है, प्रवासी मजदूरों की हत्या भी जम्मू कश्मीर में कर दी जाती है। ये आतंकी घटनाएं हम आपको बता रहे हैं जो कि जम्मू कश्मीर में हुई हैं। आतंकियों ने इन वारदातों को अंजाम दिया है। कब कब आतंकी घटनाएं हुई ये हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। पुलिसकर्मी तक की हत्या वहां पर कर दी गई है, जो कि पुलिस वहां पर लोगों की सुरक्षा के लिए खड़ी होती है, लोगों की रक्षा करने के लिए खड़ी होती है, उन पुलिसकर्मियों तक को नहीं छोड़ा जाता है, उन पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी जाती है। एक ब्रेक यहां पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।